है वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअली बहुत दिन से टेंस का डिमांड है, तो मैं आपको आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूँ। यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं हम लोग बचपन से, एक बात मुझे बताना, बचपन से हम लोग क्या पढ़ें? फ्यूचर टेंस का मतलब गा गएगी, वह पढ़ती रहेगी, तुम पढ़ते रहोगे, वो जाता रहेगा, तुम खेलते रहोगे, वो दौड़ता रहेगा, यही ना पढ़ते आए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या एग्जाम में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या एग्जाम में ऐसा पूछा है क्वेश्चन कि जाता रहेगा, ता रहेगा? तो ये फ्यूचर, बेसिकली बात करूँ तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ करते हैं? तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एक कंडीशनल टेंस है। यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ कंडीशनल टेंस। वेन एवर वी यूज दिस टेंस, देयर शुड बी अ कॉन्टेक्स्ट टू मेक द सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट। जब भी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें तो उसमें एक कॉन्टेक्स्ट लगाएं, एक क्लाउज और लगाएं सेंटेंस को लॉजिकल सही करने के लिए। मैं आपसे हिंदी में बात करूं कि वह पढ़ती रहेगी, वह जाती रहेगी, वह खेलती रहेगी, यह सेंटेंस अधूरा है। अगर इसको पूरा करना है तो आप इसको बोलो, वह पढ़ती रहेगी जब तुम उससे मिलोगे, मैं पढ़ाता रहूंगा जब तुम यूट्यूब पर देखोगे, मैं खेलता रहूंगा जब तुम मेरे पास आओगे। यानी कि डबल क्लाउज चाहिए, हिंदी में दो फ्यूचर चाहिए, तब सेंटेंस लॉजिकल तुम्हारा सही होगा। क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ कंडीशनल टेंस। व्हेन एवर वी यूज दिस टेंस, देयर शुड बी अ कॉन्टेक्स्ट टू मेक द सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट। यानी सेंटेंस को अगर लॉजिकल सही करना है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में डबल क्लाउज होता है, दो क्लाउज चाहिए, तब आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्लियर होगा, लॉजिकली सही होगा, तब आप लॉजिकल सही कर सकते हो। यहां तक हम बात करें तो हमने बात करा किसका? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात हमने करा तो हमने एक लाइन कहा, आप चाहो तो लिख लो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एक कंडीशनल टेंस है, जब भी इसका प्रयोग करो तो दो क्लाउज के साथ प्रयोग करो, सिंगल क्लाउज में इसका प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता सर, वो आप ध्यान दीजिए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट के साथ आप विल या शैल के साथ बी लगाते हो और बी के साथ वी फोर प्लस अदर वर्ड लगाते हो। हम लोग यहीं पे लास्ट कर देते हैं, हम बोलते हैं आई विल बी प्लेइंग, शी विल बी डांसिंग, आई शैल बी डांसिंग, आई शैल बी गोइंग देयर, इतना बोल के काम चला लेते हैं। लेकिन अब ध्यान देना, यहाँ पे कोई ना कोई कंजंक्शन आएगा। क्या कहा हमने, बोलो जरा, यहाँ पे कोई ना कोई कंजंक्शन आएगा और कंजंक्शन के बाद वी वन या वी फाइव प्लस अदर वर्ड यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का मेल होगा, तब आपका सेंटेंस लॉजिकल क्लियर होगा। हमने कहा कि वह पढ़ती रहेगी, हमने कहा शी विल बी रीडिंग, शी विल बी रीडिंग जब तुम उसके पास जाओगे, तो देखो शी विल बी रीडिंग। अब यहां पे हमने दे दिया क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या दिया, वेन, शी विल बी रीडिंग, शी विल बी रीडिंग वेन यू गो टू हिम, वेन यू गो टू हिम। इसको आप उलट भी सकते हो, इसको उठा के यहां भी कर सकते हो, इसको यहां भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, वेन यू गो टू हिम सी विल बी रीडिंग। समझ पा रहे हो बच्चे, एग्जाम में आपसे ऐसी पूछेगा। अब एग्जाम में गलती कहां होगा वो ध्यान दो, शी विल बी रीडिंग व्हेन यू गो टू हिम, अब यहां दे देगा व्हेन यू विल गो टू हिम। अब बोलो गलती हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक बार विल आ गया तो दोबारा फिर से विल नहीं आएगा, एक बार विल आ गया दोबारा विल नहीं आएगा। और ऐसे ही बता दूं आपको, चाहो तो पॉइंट आउट कर लो, लिख लो कि व्हेन, लिख लो when, if, until, unless, as soon as long as के साथ will का प्रयोग नहीं करते। अब यहां पे when आया है तो when के साथ बोलो will का प्रयोग होगा क्या, बोलो when के साथ will का प्रयोग होगा क्या, नहीं ना, तो यहां पे when के साथ will का प्रयोग नहीं होगा। यानी क्या बोलेंगे, when you go to him, अब ये सेंटेंस तुम्हारा राइट हो जाएगा। तो जब भी whenever, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हुआ, तो जब भी इसका प्रयोग करें तो डबल क्लाउज के साथ प्रयोग करें, सेंटेंस आपका सही होगा। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर, इस तरह से हम लोग इसको बोलने का प्रयास करेंगे और देखते हैं इसमें और भी क्या कर सकते हैं। हमने कहा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जब भी हम यूज करें तो इसके साथ डबल क्लाउज, हमने एक लाइन बोला कि whenever we use this tense there must be a clause to make the sentence logically correct, यानी सेंटेंस को लॉजिकल करेक्ट करना है
जाओ तो दो क्लाउज में जोड़ो, तब सही होगा। इस वीडियो को पूरे आराम से देखो, बढ़िया से, एक बार ना हो दोबारा देखो, तिवारा देखो, समझने का प्रयास करो। अगर मुझे समझ लिया ना तो आपका अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा। अगला देखो, अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट प्लस विल हो, शैल हो, प्लस बी लगाया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड। अब यहां पे हमने कोई ना कोई कंजंक्शन लगाया और सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 अदर वर्ड का प्रयोग किया। आप एक सेंटेंस पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सब बना सकते हो आप। अगर मैं बात करूं इसी के नेगेटिव का, तो सब्जेक्ट प्लस विल को शॉर्ट में वोंट कहते हैं और शैल को शॉर्ट में शैंट कहते हैं। बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड और आगे सेम डॉट 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 रिपीट हो जाएगा। हम बात करें इन इंटरोगेटिव का, तो विल या शैल पहले आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड, आगे डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हम बात करें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, तो हम बात कर सकते हैं विल को शॉर्ट में वोंट और शैल को शॉर्ट में शैंट, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। आप बात करें WH फैमिली का, तो WH का मतलब क्या होता है सर? तो WH का मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं WH आपको अलग से करा दूंगा। ये सबको आप खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट ये हम लोगों का हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आप मेरे वीडियो को ना, आप अलग से नहीं, आप लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, उस समय पढ़ने का प्रयास करो, आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम बात करें WH का, तो WH का मतलब होता है व्हाट, WH का मतलब होता है व्हेन, WH का मतलब व्हाई, WH का मतलब हाउ और WH का मतलब वेयर, राइट। इसमें से किसी एक का प्रयोग करो। व्हाट का हिंदी क्या, व्हेन का मतलब कब, व्हाई का मतलब क्यों, हाउ का मतलब कैसे, वेयर का मतलब कहां, और इन सब के साथ आप एक्सिलरी वर्ब विल या शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हो। इसके बाद चाहो तो यहां पे कोई ना कोई कंजंक्शन जोड़ करके, कंजंक्शन जोड़ करके सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 आप लगा सकते हैं, अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पे ओल्ड मतलब अदर वर्ड। अब हमने बोला कि माल अब सेंटेंस हो गया, अब ये सेंटेंस WH वर्ड हो गया के साथ विल वी सेल वी प्लस V4। तो आपको हमने सिखाया 6 स्ट्रक्चर, 5 चार उधर, पांचवा ये, यहां पे विल नॉट को वोंट कर दो, सेल नॉट को सेंड कर दो, तो 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये हो गया WH फैमिली। तो WH का स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं। अब रही बात करने का एग्जांपल, तो हम लोग इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में मेन स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको यहां पे ध्यान देना है। जैसे हमने कहा कि तुम जब भी उससे मिलोगे वह पढ़ती रहेगी, तो हमने सेंटेंस दिया यहां पर हिंदी में कि जब तक तुम नहीं जाओगे मैं आपको ट्रांसलेशन भी दे रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि एक टेंस पढ़ो तो पूरे तरीके से हर चीज आपको आ जाए, तब आपका अंग्रेजी स्ट्रांग होगा। जब तक तुम नहीं जाओगे वह वहां खड़ी रहेगी, जब तक तुम नहीं जाओगे वह वहां खड़ी रहेगी, जब तक तुम नहीं जाओगे वह वहां खड़ी रहेगी। तो जब तक तुम नहीं जाओगे, तो आपको हमने until unless पढ़ाया होगा। अगर आप YouTube के सब्सक्राइबर हो तो आपने पहले इसका वीडियो देखा होगा, जब तक नहीं का, तो हमने कहा जब तक तुम नहीं जाओगे, तो यहां पर हम until का प्रयोग करें, किसका करेंगे, until का। तो जब तक तुम नहीं जाओगे, और आपको पता है कि until unless के साथ present tense का प्रयोग करते हैं, पता है ना, तो नहीं पता तो लिख लो ना, आप लिख लो हर चीज को, आप पढ़ लो। तो until you go, जब तक तुम नहीं जाओगे, until you go, जब तक तुम नहीं जाओगे, until you go, अब वहां वह वहां खड़ी रहेगी, she will be, अब खड़ी रहना का स्टैंडिंग कह सकते हो, तो she will be standing there, she will be standing there। इसी को अगर मान लो ऐसा लिखा है until you don't go she will be
स्टैंडिंग देयर, यहीं पे अगर लिखा हो अंटिल यू विल नॉट गो शी विल बी स्टैंडिंग देयर. अगर मैं लिखा हो अंटिल यू विल गो सी विल बी स्टैंडिंग देयर. अब यहां चार एग्जाम्पल दिया आपसे, मैं पूछ रहा हूं कि चारों को पढ़ो, आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा, ऐसे ही पूछेगा, ऐसे ही दिया जाएगा, तो आप किसको सही करोगे. तो हमने अब देखा कि अंटिल का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं. अंटिल कहां करते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, और आने वाला क्लाउज में विल सेल का प्रयोग करते हैं. तो अंटिल के साथ नेगेटिव डू या डोंट का प्रयोग नहीं होता, तो यह तुम्हारा गलत हो गया. अंटिल के साथ नॉट नहीं लगता और विल नहीं लगता, यह भी गलत हो गया. अंटिल के साथ विल आता ही नहीं, गलत हो गया. तो राइट तुम्हारा बोलो पहला हुआ कि नहीं हुआ. तो आपको राइट और रॉन्ग दोनों करना है. स्क्रीनशॉट लेके फटाफट पढ़िए. तो कहने का सेंस हमने क्या कहा वो समझिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग बाकी बोल चाल में, जब आप अंग्रेजी बोल रहे हो, जब आप सुन रहे हो, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग आप अकेले कर सकते हो. वह वहां पढ़ती रहेगी, सी विल बी रीडिंग देयर. वह खेलती रहेगी, सी विल बी प्लेइंग. आप बोल सकते हो, गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका स्ट्रक्चर लॉजिकली सही हो. इफ यू वांट टू करेक्ट लॉजिकली इंग्लिश, देन यू विल हैव टू इंप्रूव योर इंग्लिश. और इंप्रूव तब होगा तब जब आप डबल क्लाउज में सीखोगे. सिंगल क्लाउज तो आता ही है, आपने कहा यू, आपने कहा यू विल वी. अब विल वी के बाद तुम जोड़ दो डांसिंग, यू विल बी डांसिंग, यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी स्लीपिंग. इतना तो आपको आता ही होगा. वह डांस करती रहेगी, करता रहेगा, वह खेलता रहेगा, वह सोता, तुम सोते रहोगे, तुम डांस करते रहोगे. तुमको अभी के स्थान पे तुम ही कर दो, ही के स्थान पे सी कर दो, दे कर दो, सब सही होगा. बस इससे अब तुम बोल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. यू विल बी डांसिंग, ही विल बी डांसिंग, सी विल बी डांसिंग, दे विल बी डांसिंग. यू विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, शी विल बी प्लेइंग, शी विल बी डांसिंग, दे विल बी डांसिंग, दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी स्लीपिंग. कर सकते हो, लेकिन मेन मुद्दा है कि यहां पे कोई ना कोई कंजंक्शन हो, और कंजंक्शन के बाद तुम्हारा क्लाउज सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस अदर वर्ड हो. जैसे हमने कहा यू विल बी प्लेइंग व्हेन आई केम टू यू, हमने कहा ही विल बी डांसिंग, ही विल बी डांसिंग, वो डांस करती रहेगी जब तुम जाओगे. व्हेन यू गो देयर, व्हेन यू मीट हर, व्हेन यू शाही सी हिम, कुछ ही बोलो. हमने बोला दे विल बी स्लीपिंग, वे लोग सोते रहेंगे. दे विल बी स्लीपिंग, दे विल बी स्लीपिंग. व्हेन, व्हेनेवर, व्हाटएवर, अनटिल, अनलेस के साथ सब्जेक्ट प्लस वी वन वी फाइव लगा सकते हो. मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप कुछ भी, जैसे फाइनल स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं उसको आप समझना. जैसे मान लो कंजंक्शन तुम्हारा व्हेन हो, कंजंक्शन तुम्हारा व्हेनेवर हो, कंजंक्शन तुम्हारा वाट एवर हो, कंजंक्शन तुम्हारा इफ हो, कंजंक्शन तुम्हारा अंटिल हो, कंजंक्शन तुम्हारा अनलेस हो, इस तरह के कोई भी कंजंक्शन हो, तो इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस अदर वर्ड. मैं इतना तेज क्यों बोल रहा हूं पता है तुम्हें, ताकि तुम जल्दी से टेंस पढ़ लो, क्योंकि एक घंटा पढ़ने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि आप 10 घंटे वीडियो पे लगे हो. आपका 15 मिनट में, 10 मिनट में पूरा का पूरा टेंस कंप्लीट हो जाए, इतना टाइम नहीं है कि फटाफट. इसलिए कान को अलर्ट रखो और सावधान रहो, अलर्ट मुद्रा में पढ़ो. आपको अंग्रेजी क्यों नहीं स्ट्रांग होगा, इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं, सीधा टेंशन दो कहां, वीडियो पर. और पूरे भारत में बच्चों को सिखाओ वी वन वी प्लस अदर वर्ड, कॉमा लगाया, आगे दिया सब्जेक्ट प्लस विल सेल V1 प्लस अदर वर्ड. इसको आप उठा करके चाहो तो पहले कर दो, और इस पूरे सिस्टम को उठा के चाहो तो आगे कर दो. आप या तो बोलो इफ यू गो, अब यहां पे हमने कहा विल वी, यानी विल सेल के बाद हमने क्या लगा दिया बी प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड. हमने कहा यू विल वी डांसिंग, यू विल वी डांसिंग व्हेन आई कम, है ना. अनलेस यू गो, अनलेस यू गो, जब तक तुम ही जाओगे, सी विल नॉट बी ईटिंग.
पास में रहो, अंटिल यू गो शी विल नॉट बी ईटिंग। तो आप जितने सेंटेंस चाहो आप इसके आधार पे बना सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो। ये क्लाउज आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होता है। इसके साथ कॉमन इरर एग्जाम में भरे पे होते हैं। और पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाने के लिए, क्रांति लाने के लिए आप सबों को धन्यवाद। मैं हमेशा आपके लिए काम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।